एडर्स, एडर्स क्या होते हैं? तो जो भी ईच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैज ए कॉरस्पॉन्डिंग एडर कंटेनिंग द फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर ऑल द फंक्शंस इन द लाइब्रेरी एज वेल एज डेफिनेशंस ऑफ वेरिएबल सिंबलिक कॉन्स्टेंट्स नीडेड बाय दोज फंक्शंस। तो एडर फाइल वो हैं, वो जो फाइल जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स हैं हमें डिफ़ॉल्ट रूप से दी जाती हैं, और उनके अंदर कोई डेफिनेशन होती है, उनके अंदर कुछ करेक्टर्स की या कुछ फंक्शंस की या किसी तरह की डेफिनेशन होती है जो हम अपने प्रोग्राम लिखते समय उनको हम काम में लेते हैं। वो सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको हम काम में लेते हैं, वो उस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में इंक्लूडेड होते हैं। हम खुद एडर इंक्लूड बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उनको इंक्लूड कर सकते हैं। एडर फाइल को हम हैश इंक्लूड आगे एंगल ब्रेसेस या डबल कोट्स में इंक्लूड करते हैं। कुछ यूजफुल एडर फाइल्स का यहाँ डिस्कशन करूँगा जो नॉर्मली हमारे काम में आती हैं। इस तरह की बहुत सारी एडर फाइल्स हैं लेकिन कुछ एक की हम बात करेंगे। एक एडर फाइल है सी टाइप डॉट एच। तो सी टाइप डॉट एच है वो एक ऐसी एडर फाइल है जो फंक्शंस, प्रोटोटाइप फंक्शंस हैं उनको, उनकी डेफिनेशन रखती है। कौन से प्रोटोटाइप फंक्शंस? जो कुछ करेक्टर्स की करेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट करता है। मतलब जैसे कोई करेक्टर है वो अल्फाबेट है या नहीं है, वो अपर केस है या लोअर केस है, वो अपर केस है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस है वो अपर केस में कन्वर्ट करना है। इस तरह की कन्वर्जन, इस तरह कन्वर्जन के लिए जो यूजफुल फंक्शंस हैं वो कहाँ डिफाइंड होते हैं, वो लाइब्रेरी है सी टाइप डॉट एच। बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, साइन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, पावर है, हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है। इनकी डेफिनेशन जो एडर फाइल रखती है वो है मैथ लाइब्रेरी, उसको मैथ डॉट एच, एम ए टी एच डॉट एच से रिप्रेजेंट करेंगे। जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच आर, पुट्स, उनके लिए जो एडर फाइल है उसको हम एस टी डी आई ओ डॉट एच कहते हैं। उसके लिए हमें एडर फाइल जो इंक्लूड करनी पड़ती है वो एस टी डी ओ डॉट एच। इसके अलावा कुछ टेक्स्ट टू नंबर, मेमोरी एलोकेशन, टेक्स्ट टू टेक्स्ट कन्वर्जन, नंबर टू टेक्स्ट कन्वर्जन या रैंडम नंबर या यूटिलिटी फंक्शंस कई हैं, उनको, उनकी डेफिनेशन के लिए एक लाइब्रेरी होती है उसको हम कहते हैं एस टी डी एल आई बी डॉट एच, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। स्ट्रिंग डॉट एच कुछ स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, जो करेक्टर्स का सेट है, एक स्ट्रिंग को दूसरी में ऐड करना है, एक स्ट्रिंग को कुछ लिमिटेड स्ट्रिंग को लेना है, हमें लिमिटेड उसके करेक्टर्स को लेना है, या स्ट्रिंग को दो को कुछ पार्शियली मैच करना है, दो स्ट्रिंग्स का आपस में टेस्ट करना है। इस तरह के जो फंक्शंस इस लाइब्रेरी में इंक्लूडेड हैं वो लाइब्रेरी है स्ट्रिंग डॉट एच। कई बार हमें प्रोग्राम लिखते समय टाइम मैनिपुलेटिंग करनी होती है। हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम चाहते हैं आउटपुट के साथ टाइम प्रिंट हो, या हमें कहीं कुछ रैंडमाइजेशन करने के लिए इनपुट के रूप में टाइम की ज़रूरत होती है। इस तरह जहां भी टाइम एंड डेट की ज़रूरत होती है तो उसके लिए एक लाइब्रेरी है टाइम डॉट एच, जो अपने कंप्यूटर से टाइम लेती है, कंप्यूटर में जो टाइम है वो लेती है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन का। तो यूजर एक फंक्शन किस तरह, यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी का, अब हमने कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज देखी, यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज का हमें दिया एग्जाम्पल लें। तो एक पहले प्रोग्राम देखा था उसी को थोड़ा कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें ऑपरेशन, एक ऑपरेशन लिया था। अब ये ऑपरेशन, उसमें ऑपरेशन जो लिया था वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, अब जो वही ऑपरेशन है वो रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर। उसमें जो प्रिंट कर रहा था इस बार वो रिटर्न कर रहा है। यदि इसमें करेक्टर इनपुट एडिशन है तो ये रिटर्न करेगा उन दोनों इन फर्स्ट पैरामीटर्स का एडिशन।
जो सब्ट्रैक्शन है तो उनका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन स्टार है तो मल्टीप्लिकेशन, और स्लैश है तो डिवाइड रिटर्न करेगा। रिटर्न मतलब इस फंक्शन को जहाँ भी कॉल किया जाएगा तो वहाँ पर यह फंक्शन वो वैल्यू दे देगा जो यहाँ से रिटर्न होगी। यहाँ जहाँ कॉल किया गया है वहाँ इसकी वैल्यू बी नाम के किसी इंटीजर को असाइन कर दी गई है, और उस बी को बाद में हम प्रिंट करके देख रहे हैं। अब यहाँ मेन महत्वपूर्ण यह है कि ये ऑपरेशन जो है, ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, यहाँ फंक्शन की पूरी बॉडी दी है, ये उस प्रोग्राम में नहीं है जिसमें हम ये मेन फंक्शन लिख रहे हैं या जहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं, ये एक cal.h नाम की फाइल के अंदर है और उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे stdio.h को इंक्लूड करते हैं तो वहां लिख दिया हैश इंक्लूड cal.h cl.h। तो इस तरह से हम अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, खुद की हेडर फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल हम करके देखते हैं। तो ये फंक्शन है, हम पहले cal.h को देख लेते हैं। ये cal.h है जिसमें हमने ऑपरेशन, उसके इंट ऑपरेशन और इनपुट पैरामीटर्स, बाद में इफ जेड इज इक्वल्स टू प्लस रिटर्न एक्स प्लस वाई, इफ माइनस एक्स माइनस वाई स्टार एक्स स्टार रिटर्न एक्स स्टार वाई, इफ इट इज स्लेस रिटर्न एक्स स्लेस वाई। इसके बाद हम फंक्शन देखते हैं। तो इसमें हमने इंक्लूड cal.h, cal.h को डबल कोट्स में लिखा है, तो हमने cal.h को इंक्लूड किया है और बाद में ऑपरेशन जो फंक्शन उस cal.h में उसको कॉल कर रहे हैं और जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। कंपाइल एंड रन करके देखें तो कंपाइलेशन सिंपल होगा। रन करें, यहाँ जैसे हम कुछ इनपुट देते हैं 2 + 5, आउटपुट आ रहा है 7, 5 - 2 इनपुट 3, आउटपुट 3 आ रहा है, 5 * 6 इनपुट 30 आ रहा है, आउटपुट 30 आ रहा है, एंड 6/2 आउटपुट 3 आ रहा है। लुक्स एवरीथिंग इज फाइन। पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस, तो ये है कि हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय वैल्यू क्या है और पासिंग बाय रेफरेंस क्या है। तो व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू, ए कॉपी ऑफ वेरिएबल्स वैल्यू इज मेड एंड द कॉपी इज पास्ड टू द कॉल फंक्शन, चेंजेस टू द कॉपी इज द कॉल फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल वैल्यू। मतलब हम कभी किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो क्या करता है, इनपुट पैरामीटर्स जो हैं उनकी एक कॉपी बनाता है, वो कॉपी उस फंक्शन को दे देता है। अब वो फंक्शन उन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करता है तो हमने जहाँ कॉल किया वहाँ वाले वेरिएबल्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अपने वहाँ वो वैल्यू सेम रहेगी, फंक्शन अपने वेरिएबल्स का कुछ भी करे। अब तक हमने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं वो कॉल बाई वैल्यू के ही देखे हैं। और अब आता है कॉल बाय रेफरेंस, हमने किसी वेरिएबल को कॉल किया तो वो उस वेरिएबल को कॉपी नहीं करेगा, उसका हम एड्रेस भेजेंगे तो वो क्या करेगा, उस एड्रेस पे वैल्यू चेंज करेगा। एड्रेस पे वैल्यू चेंज होने का मतलब है कि अपने मेन फंक्शन में भी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जहाँ जिस फंक्शन से हमने कॉल किया वहाँ भी उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो हम अब एग्जांपल देखें, तो पिछला एग्जांपल फिर से देखें, तो उसमें है व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू, यहाँ पर हमने एक आर्ग्यूमेंट को वैल्यू से भेजा, जैसे ये ऑपरेशन है उसको उसमें a1 a2 और c ये इनपुट के रूप में भेजे हैं। यदि उस फंक्शन में हम एक्स वाई जेड के रूप में जो इनपुट ले रहे हैं उनकी वैल्यू चेंज कर देते हैं क्योंकि ये इनकी कॉपी बनाई गई है, तो यहाँ पर अपने a1 a2 और c की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह के जो भी कॉल हैं, जो फंक्शन कॉल है उनको हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, और जो कॉल बाय रेफरेंस है वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे।